फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं संतोष कार टेक्निकल। तो फ्रेंड, आज अपने पास स्कॉर्पियो एस सीरीज S6 कार है। इस गाड़ी में पिकअप की और ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम है। इसका पिकअप हल्का सा डाउन है और थोड़ा ब्लैक स्मोक भी थोड़ा ज़्यादा सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसमें हम चेक करेंगे विदाउट स्कैनर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कार को स्टार्ट करके देखेंगे, इसमें कोई लाइट शो तो नहीं हो रही। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कोई लाइट शो नहीं है। इसमें ओनली हैंड ब्रेक और सीट बेल्ट की लाइट शो है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम मैनुअल चेक करेंगे। आज मैं बताऊंगा कि मैनुअल तरीके से कैसे चेक करेंगे गाड़ी को। जिस किसी बाइक के पास स्कैनर ना हो, तो सबसे पहले उस बाइक के लिए बताना चाह रहा हूँ कि आज मैनुअल तरीके से कैसे चेक करेंगे गाड़ी को। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले इसके इंजन रूम में जाके चेक करेंगे इसका टर्बो। फ्रेंड्स, इसका टर्बो चेक करेंगे। टर्बो का चेक कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसका जो गेम मोटरी है, गेम मोटरी वाला इसका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ऑन हो जाती है, तो अपना भी मैनुअली चला जाता है ऐसे तरीके से। तो इसमें नीचे नहीं जा रहा, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इसका ब्रेकिंग चेक करेंगे, ब्रेकिंग इसका है या नहीं। तो उसके पाइप में ब्रेकिंग चेक करेंगे, जैसे कि आपको देखा वो आवाज़ आ रही है, ब्रेकिंग इसका काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे इसका बोल्ट मॉड्यूलेटर का। हम लगाएंगे पार्किंग बल्ब, इससे बोल्ट चेक कर सकें। तो उसमें बल्ब जल रहा है, इसका मतलब उसमें बोल्ट भी आ रहा है। तो अब एक ही चीज़ रह जाती है इसमें, वो है इसका मॉड्यूलेटर, जो कि ये लगा हुआ है। तो हम उसको बदल के देखेंगे इसमें। तो हमारे पास एक न्यू मॉड्यूलेटर रखा हुआ है, उसको हम लगा के इसमें चेक करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से काम करता है। पहले इसमें हम सारे पाइप फिट कर लेंगे। ये अपना ब्रेकिंग पाइप लग गया, और इसके बाद उसमें टर्बो वाला पाइप जो टर्बो पर गया है, इसके बाद जो एयर फिल्टर पर गया है, वो ये वाला पाइप है। यहाँ से ब्रेकिंग एयर लीक होता है। अब हम इसका वायर लगाएंगे। ओके, तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली नीचे चला गया। अभी इसको पाइप निकालूंगा तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। ये देखना फ्रेंड्स, ऊपर आ गया। तो इसको लगाऊंगा तो वापस से नीचे चला जाएगा। तो अब इसका मतलब अपना टर्बो काम कर रहा है, तो इससे अपना पिकअप और ब्लैक स्मोक दोनों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बता दूं, ये जो मैंने काम किया है वो गाड़ी स्टार्ट में किया है आपको बताने के लिए। तो इसमें अब ये 3200 हो गई है, जो मैंने मॉड्यूलेटर का वायर निकाला था उसके लिए। ठीक है, तो आप कभी भी आप काम करें तो बैटरी या वायर या गाड़ी ऑफ करके काम करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको लैपटॉप से हटाऊंगा या फिर अपने दो चार बार स्विच अपने आप ऑन ऑफ कर दूंगा। अगर इसे जाती है तो ठीक, नहीं तो इसका चलिए अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अपने आप बत्ती
ऑफ हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा पिकअप और पिकअप के लिए और ब्लैक स्मोक के लिए अपने हमने इस गाड़ी में क्या क्या चेंज किया, क्या क्या चेक किया, किस तरीके से मैनुअल तरीके से विदाउट स्कैनर के, ऐसा आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको कुछ पूछना या बताना हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू।